दोस्तों, यूपी के विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए जो है बड़ी ही खुशखबरी की बात है। जैसा कि अब उनका पेंशन का पैसा उनके बैंक अकाउंट में जो है सेंट होना शुरू हो चुका है। अब जो है उनका पेंशन का पैसा उनके खाते में डलना शुरू हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि आपका पेंशन का पैसा वैलिडेट भी हो चुका है और आपका एजेंसी के थ्रू जो है अपलोड भी हो चुका है। लेकिन आज के ही डेट में आप देखेंगे तो आपका पेंशन का पैसा आपके बैंक में जो है सेंट भी हो चुका है। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बनी रहेगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को आप प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको पेंशन रिलेटेड सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप जब अपना पीएफएमएस पोर्टल पर अपना पेंशन का पैसा चेक करते हैं तो यहाँ पर आपका पेंशन का पैसा सेंट हो चुका है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे तो फाइल स्टेटस वाले ऑप्शन पर सेंट टू बैंक यहाँ पर लिखे आ रहा है कि 14 अगस्त को जो है आपका पेंशन का पैसा आपके बैंक में जो है भेज दिया गया है। और यहाँ पर उसके जस्ट ऊपर में आप देखते हैं कि 9 अगस्त को आपका पेंशन का पैसा वैलिडेट हो चुका था, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियो में बताया भी था। और यहाँ पर 13 अगस्त को इनका एजेंसी के थ्रू जो है अपलोड भी हो चुका है और यहाँ पर ट्रेजरी साइन भी इनका कर दिया गया है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो क्रेडिट स्टेटस वाले ऑप्शन पर अभी पेमेंट पेंडिंग लिख के आ रहा है कि आपका पेमेंट अभी पेंडिंग हुआ है, अभी जो है आपके मेन अकाउंट में जो है ट्रांसफर नहीं हो पाया है। लेकिन अभी यहाँ पर कल की ही डेट में आप देखेंगे तो यहाँ पर सेंड टू बैंक लिख के आ रहा है कि आपका जो है पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में जो है ट्रांसफर हो चुका है। अब आपका पेंशन का पैसा सिक्योरली आपके खाते में जो है ट्रांसफर हो जाएगा। कब जो है ट्रांसफर होगा, कब जो है आपके मेन अकाउंट में डाला जाएगा, जैसा कि यहाँ पर 14 अगस्त को जो है अभी सेंड किया गया है, तो आप ये मान लीजिए कि लगभग एक हफ्ते के अंदर, जैसा कि एक हफ्ते के अंदर ही आपके मेन अकाउंट में जो है पेंशन का पैसा डाल दिया जाएगा। और कितना जो है डाला जाएगा पेंशन का पैसा, यहाँ पर अमाउंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3000 रुपया लिख के आ रहा है कि 3000 रुपये जो है आपका पेंशन का पैसा आपकी बार जो है भेजा जाएगा। जैसा कि जुलाई अगस्त सितंबर का पेंशन का पैसा आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर अगस्त के महीने में ही आपका पेंशन का पैसा आपके खाते में डाला जाएगा। जैसा कि मैं अभी आपको कल के डेट में जो है वीडियो बना के बताया था कि आपका पेंशन का पैसा यहाँ पर एजेंसी के द्वारा जो है अपलोड हो चुका है, लेकिन आज की डेट में जो है आपका पेंशन का पैसा आपके बैंक अकाउंट में जो है सेंट हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल होगा तो हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप जरूर बताइएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।